आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ राम मूर्ति दंड के बारे में, इसको कैसे करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे हम। देखिए इसकी सही स्थिति क्या है। हम लोग पहले सामान्य पोज में से सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे और फिर अपने सेफ के हिसाब से हम इस तरीके से हाथ रखेंगे सामने। रखने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे पर्वतासन की स्थिति में। यहाँ पे आए हम इस स्थिति में और फिर श्वासों को हम अंदर भरेंगे इस तरीके से, भर के श्वास फिर ये बिल्कुल एकदम ज़मीन से थोड़ा ऊपर रगड़ते हुए ऐसे जाएंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे पूरा अंदर श्वास भर के रखना है, फिर ऐसे ही खींचेंगे हम पीछे की ओर अपने शरीर को इस तरीके से ये। फिर पर्वतासन में आ जाएंगे, फिर यहाँ श्वास छोड़ देना हमको आके, फिर श्वास लेंगे यहाँ से भरेंगे फिर ऐसे ही जाएंगे। ये स्थिति रहेगी यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एकदम छाती में अंदर श्वास भर के रखना पूरा इस तरीके से, फिर ऐसे ही वापस। ये देखिए एक बार और करके दिखाता हूँ ऐसे। ये फिर ऐसे बिल्कुल नीचे से, फिर यहाँ श्वास छोड़ देना है, फिर ऐसे ही लेंगे इस तरीके से। हम इसके निरंतर अभ्यास से शुरू में तो हम 50 एक ही कर पाएंगे और फिर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा इसका स्टेमिना। और जो कि हम श्वास खींचते हैं इसमें श्वासों का बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान है। हम जैसे श्वास खींचते हैं और फिर हम जाते हैं तो वैसे ही हमारे अंदर से पावर लगती है और फिर जो हमारा वीर्य होता है ऊपर चढ़ता है, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है। उससे क्या है हमारा बल बढ़ता है बहुत ज़्यादा और जो हमारे फेफड़े होते हैं वो खुलते हैं। तो इससे आप काफ़ी देर तक श्वासों को जो है रोकने का भी अभ्यास कर सकते हो इस पुशअप के माध्यम से। तो अभी मैं आप लोगों को ये थोड़ा स्पीड से करके दिखा दूँगा हम इसको स्पीड से कैसे करेंगे। देखिए श्वास भरा छोड़ दिया, इस तरीके से हम जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप लोग करेंगे तो आप लोग खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को। आगे मैं आपको और अच्छी पुशअप के बारे में बताऊंगा, अच्छी दंड बताऊंगा जिससे आपको और लाभ पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करिए क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आप लोगों तक पहले वीडियो पहुँचे और आप लोग इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठाएँ।